मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग सर। आज देखो, आज हमारे सामने दो स्केल रखे हुए हैं। ये कितने कितने सेंटीमीटर की स्केल हैं? दो। ये 30 और 30 वाला कौन सा है? और दूसरा वाला 100। 100 क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? एक। ठीक है, तो ये स्केल कितने का है? 100 सेंटीमीटर का या एक मीटर का। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा टेबल है, ये टेबल की यहां से यहां तक अगर हम देखें तो इसको क्या बोलते हैं? चौड़ाई। और यहां से वहां तक लंबाई। तो आज हम इसको मेजर करना सीखेंगे। ओके, उससे पहले हम इस बुक को करें। अब देखो, चलो एक बच्चा करके दिखाएगा कि इस बुक को हम कैसे नापेंगे। करके दिखाओ। ये क्या है? इसकी लंबाई की चौड़ाई? लंबाई। हाँ देखो कितना है। नो, 9.6 वो नीचे तो इंचेज में है, इस साइड से इंचेज में, इस साइड से सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में ना 24 क्या? सेंटीमीटर। अब चौड़ाई नापो। सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई कितनी आई? 18। और लंबाई कितनी आई? 24। अब हम इस टेबल की नापेंगे। टेबल के नापने के लिए हमें स्केल बड़ा चाहिए। ठीक है, हाँ जीरो से नापो। देखा, अब एक चीज देखो, अब एक चीज इसमें देखने वाली है कि ये जो इसमें मेजरमेंट्स है ना, इसमें दोनों साइड सेंटीमीटर से हैं, सेंटीमीटर में है। तो आप किसी भी साइड से नापोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप देखो कितना सेंटीमीटर आ रहा है। 93। तो 93 इसकी लंबाई होगी। चौड़ाई नापो, उधर से नापो चौड़ाई। देखो उधर रीड करो। 60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और अगर माना इससे छोटी चीजें हैं हमारे पास, जैसे एक तो हमारे पास ये नोटबुक थी, माना हमारे पास नोटबुक से छोटी चीज है, तो हम उसे कैसे नापेंगे? स्केल से। ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर का स्केल है, इससे छोटा भी स्केल होता है हमारे पास। कितने सेंटीमीटर का? 15 सेंटीमीटर। अब देखो, एक जो ये स्केल है हमारे पास, ये 1 मीटर का स्केल है या 100 सेंटीमीटर का है? 100। अब तुमने देखा होगा जैसे जो मिस्त्री होता है ना, मिस्त्री के पास क्या होता है नापने के लिए? सर जी एक वो आता है, एक मीटर नाप का वो आता है। क्या बोलते हैं उसे? इंच। इंच टेप। तो वो इंच टेप से नापते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास जो लंबाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं? ज़्यादा। ठीक है, हाँ ठीक है।